आज हमारे एमएलए तौसर मोहिद्दीन साहब और हमारे पाशा खादरी साहब, एमएलए याकूबपुरा और हमारे बकबोट के स्टाफ ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, ये सब के उसमें जो है, और हमारे जो मुतवली है, मस्जिद कमेटी के सदर है, जो जो भी लोग हैं, खबरस्तान कमेटी के सदर है, ये लोगों के साथ जो है ना आज हमारा दौरा हुआ। हम लोग लंगर हाउस भी गए, वहां पर भी जो है कई लोग कब्जे करे हुए हैं, जहां जहां भी जा रहे हैं कब्जे करे हुए हैं, कोई इंडोमेंट किए हुए कोई कुछ है। तो हम लोग जो है 27 तारीख को सर्वे रखे, 27 तारीख को ज्वाइंट सर्वे रहेगा, रेवेन्यू ऑफिसर और इंडोमेंट और हमारे वक्फ बोर्ड के सर्वेयर वगैरह सब इसको सर्वे करके हमारी जो जगह है बराबर हम हासिल करेंगे। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रही थी, क्यामत तक वफ रही थी। फिलोखत खुश हो जाने का रहता, टेम्पररी कब्जे करके हम कब्जा का मतलब डुप्लीकेट भी डॉक्यूमेंट बना लिया। अभी तक हम लोग 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, तो आने वाले टाइम में भी अगर कोई भी डुप्लीकेट पेपर बना के रजिस्ट्रेशन भी करे तो हम क्रिमिनल केसेस बुक करेंगे और हम लोग जो है ना छोड़ेंगे नहीं। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रही थी, क्योंकि लोग जो है ना मतलब जहां देखो वहां पर खुली पड़ी हुई है, बल्कि कब्जे कर रहे नहीं चलता वो, क्योंकि हमारे एमएलए साहब की भी बहुत ज्यादा कोशिश है। एमआईएम के हमारे एमएलए साहब जो है कौसर मोहिद्दीन साहब, पाशा खादरी साहब, बार बार ये लोग भी नुमाइंदगी करते हैं कि ये काम पहले जो ना होना है, बल्कि आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले आए, उसके बाद हम लोग आज की डेट फिक्स करके हम लोग जहां जाए आज इंस्पेक्शन कर लिए, हम लोग मैं खुद भी देख लिया। अब हमारे ऑफिसर्स को जो है ना हम भिजाने में आसानी होती, क्योंकि हमको भी मालूम होना ना स्पॉट पे जाने के बाद ही, ग्राउंड वर्क करने के बाद ही मालूम होते, तो देखने के बाद खाली पेपर पे रख के हम ऑफिस में खुश नहीं होते, हम खुद स्पॉट पे जाके देखते हैं। और जहां जहां पर भी वफ प्रॉपर्टी है, ओल्ड सिटी रहो न्यू सिटी रहो, आप लोग बराबर कंप्लेंट करिए। महल्ले वालों से भी मेरी गुजारिश है, आवाम से भी गुजारिश है कि वफ प्रॉपर्टी को बचाने का काम हर आवाम का है, हर आवाम की प्रॉपर्टी है ये। वफ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फरीजा है। आप लोग इसको प्रोटेक्ट करिए, आप कंसर्न एमएलए से भी मिलिए, आप हमारे पास भी वक्फ बोर्ड को लाके कंप्लेंट करिए, बराबर हम इसको कोशिश करके हासिल करेंगे। और टेम्पररी खुश हो जाना है, जो भी कब्जा करके डुप्लीकेट पेपर बना के कब्जे पे बैठे तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ है, क्योंकि इसमें केसीआर साहब की भी हमको पूरी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, पुलिस की सपोर्ट है, इसमें केटीआर केसीआर साहब और असद साहब हम लोगों के अलायंस से जो है ना ये प्रॉपर्टियों को बचाने का काम जो है ना बराबर है। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉपर्टी हमारी हासिल करके रहेंगे। सब जानवर नाजायज कब्जों के बारे में काफी शिकायतें वक्फ बोर्ड को भी आई है, पुलिस में भी एफआईआर हुई, मगर कोई एक्शन वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं लिया। इधर सुनिए, परसों हाल ही में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कुछ नुमाइंदे आके वहाँ पे नाजायज कब्जों को सुनिए, तो उसको भी जो है किराएदार बताया गया साहब, जबकि थोड़े दिन पहले वो जगह खाली थी। इधर सुनिए, जो भी जगह खाली है, अभी बोला ना मैं आपको, वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, ये टेम्पररी खुश हो जाने का रहता, मगर इंशाल्लाह अब जो है इसके अंदर तो जो आप कमेटी, जो आपकी वक्फ बोर्ड कमेटी बनाई से है, उसके सदर का नाम बार बार आता है सर। नहीं नहीं, किसका दस्तगीर पाशा जी, नहीं नहीं, कोई भी गलत काम करे तो हम छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, सुना उनसे बेचे मतलब वक्फ से कोई नहीं, नहीं वक्फ से खरीद नहीं सकते, सेंट्रल एक्ट है ये, तो सदर से खरीद सकते, सदर से खरीद सकते ना, सेंट्रल वक्फ बोर्ड से खरीद सकते, खरीद ही नहीं सकते, वक्फ प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, अल्लाह की अमानत बेच नहीं सकते आप, समझे आप। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रही थी, जो लोग वफ करके गए, गरीबों को सपोर्ट करो बोल के गए, यहाँ पर लैंड गिरा भरा लैंड माफिया एंजॉय कर रहा बोले तो नहीं होता। हम लोग इसके ऊपर कई केसेस बुक करे और 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करे हम लोग, और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये जितने जो कब्जे करे हुए है ना, जब तक हमारी गवर्नमेंट है हम लोग है बराबर इसको हासिल करके रहेंगे हम लोग। चलिए, तो सर मिल्लत के नाम से जो मदरसा है जी, वो मदरसा एक्चुअल करीबन 600 गज पे मदरसा है, बल्कि सैंक्शन करे थे सर। हाँ, वो मदरसा भी जो है, ठहरिए मैं बोल रहा हूँ, 60 गज बनाए, मालूम है जी, अभी कौसर मोहिद्दीन साहब एमएलए साहब बताए, वो मदरसा भी जो है ना इंशाल्लाह वहाँ पर शेड वेड मारने का क्या है वो सर्वे में देख के, कितनी जगह आ रही क्या है देख के हम एमएलए साहब को बात करेंगे। चलिए, मोहतरम की हिदायत पर अपने कारवान के अंदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब के साथ, उनके तमाम स्टाफ के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर लोगों के साथ लंगर हाउस सराबुद्दीन साहब की दरगाह का तफसीली दौरा किया गया, और उसके बाद वहाँ के मकामी जो मुतवली है, और उसके बाद बाबू घाट के पास 3 सर्वे नंबर कर वहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, ब्लू शीट मार दिया गया,
वो भी तफसीलात बताएगा। और मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब ने बताया कि 27 तारीख के दिन वहाँ पर जॉइंट सर्वे किया जाएगा, उसके बाद टोली मस्जिद का भी तफसीली दौरा किया गया और टोली मस्जिद के ताल्लुक से तफसीलात बताए गए। बीच में पिछले 8 साल से इंडोमेंट डिपार्टमेंट आकर हमारी जमीन बता रहे हैं, तो तफसीलात वो भी बताया गया। और भी अंदर मस्जिद के अहाते के अंदर कुछ काम करने गए तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से रिकॉर्ड पैदा होती है और वहाँ पर भी सलीम साहब ने बताया गया, उसका भी तफसीली जॉइंट सर्वे किया जाएगा। और उसके बाद जिया बुढ़ा अन्नन खां मन्नन खां का वहाँ पर भी बताया गया, जो पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कंपाउंड वाल दीगर चीज़ों को वहाँ पर रुकावट की गई वो भी तफसीलात बताया गया, वहाँ का भी सर्वे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुसुमपुरा जामे मस्जिद का भी दौरा किया गया, यहाँ पर भी मस्जिद के तहत जो भी मलगियाँ थे और दीगर जमीन थी उसके ऊपर भी नाजायज कब्जे के ताल्लुक से बताया गया। और मस्जिद कमेटी के सदर जनाब सैयद अहमद पाशा खादी साहब, MLA याकूबपुरा साहब भी यहाँ के सदर है, उन्होंने भी बताया कि चेयरमैन साहब को मस्जिद का प्लान वगैरह तफसीलात बताए। और मैं समझता हूँ ये भी 29 तारीख के दिन मैं समझता हूँ इस मस्जिद का भी तफसीली जॉइंट सर्वे किया जाएगा और उसके बाद और कुछ वक्फ बोर्ड के जो भी जायदाद रहेंगे वहाँ पर भी तफसीलात बताने के बाद चेयरमैन साहब ने तयखुन दिया कि इस महीने के अंदर तमाम जगह पर आज जहाँ जहाँ भी दौरा करें तफसीली सर्वे किया जाएगा, चाहे इंडोमेंट हो चाहे आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट हो या वक्फ बोर्ड, इन 3-4 डिपार्टमेंट के साथ में जॉइंट सर्वे किया जाएगा। और आज के दौरे के अंदर चेयरमैन साहब और हमारे चेयरमैन याकूबपुरा MLA साहब से अहमद पाशा खादी साहब और मेरी जमात के तमाम सदर मुतमदीन और काउंसलर के साथ में दौरा हुआ है। मैं इस मीडिया के जरिए चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा।